नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार। और मेरा पहले वाला ट्यूटोरियल आपने देखा होगा कि SIPA पोर्टल पर अपन RJBN ID को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। लेकिन अभी अभी आपने देखा था कि RJBN ID तो अपन ने बना ली, जैसे न्यू जनरेट, जैसे न्यू किसी टीचर की जब एम्प्लॉई भर्ती होती है अपन की, तो उस समय नई बनानी पड़ती है RJBN ID। लेकिन अपने इससे पहले से बनी हुई है, जैसे अभी अभी आपने देखा होगा कि 1 मार्च 2017 से SIPA पोर्टल ने एक आदेश जारी किया था कि 1 मार्च 2017 एस पर पॉलिसी आधार UID और भामाशा नंबर अपडेशन इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड इफ़ यूर मोबाइल नंबर इज और मेल इज़ नॉट अपडेशन इन यूर आधार, तो नियरेस्ट कियोस्क सेंटर पर जाकर अपन को इसमें अपडेट करवाना था। तो अपन ने इसमें बहुत सारी गलतियाँ आई थी। RJBN ID तो अपनी पहले से बनी हुई है, बट इसमें बहुत सारी देखी थी अपन ने, तो ये बहुत सारी गलतियाँ हैं। तो मतलब ये है कि जैसे किसी की RJBN ID पहले से बनी हुई है, क्रिएट की हुई है, तो उसमें यहाँ पर RJBN जो नंबर लिखा होता है RJBN ID का, RJBN जैसे पोस्टिंग वर्ष है, उसके बाद में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जिले का कोड जो होता है, उसमें मिस्टेक हो सकती है। जैसे अपना पोस्टिंग ईयर मान लो हो और पोस्टिंग ईयर में साल दो साल का डिफरेंट भी इसमें कई टीचर्स के वो था, लेकिन वो तो संभव नहीं है। वो SIPA पोर्टल पर एक बार ID जनरेट होने के बाद में वो तो अपन चेंज नहीं कर सकते, बट अपना इसके अलावा ऑल जो डाटा है यहाँ से लगाकर टीचर एम्प्लॉई नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉई स्टेटस वगैरह जो भी है, DDO वगैरह, क्लास, अपनी ब्लड ग्रुप वगैरह सारी चीज़ें, मैरिज स्टेटस, इसमें भी बहुत सारी गलतियां अगर पाई गई थी। जैसे किसी के नाम में जैसे है तो उसकी जगह पर दूसरे का पोर्टल खुल रहा है, तो किसी के नाम में गलत है, तो किसी की डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, तो अपन उसको इसको किस तरीके से सुधार सकते हैं। तो अपन आइए अपन देखते हैं कि अपनी RJBN ID में जो हो रही मिस्टेक को अपन सुधार कैसे सकते हैं। एम्प्लॉई ID में सुधार के लिए वही प्रोसीजर अपन को अपनाना पड़ेगा, जैसे पहले वाले वीडियो ट्यूटोरियल में आपने देखा है कि मतलब किस तरीके से अपन इसको नई जनरेट ID जब करनी होती है, पहली बार जब नई बनानी होती है, तो अपन किस तरीके से बनाते हैं। लेकिन प्रोसीजर वही फॉलो है जो पुराना बना हुआ है ना, 2012 से जब ये ऑनलाइन हुआ है, जब से अपने सामने ये चीज़ आई है, पहले अपन इसको देख सकते थे, लेकिन इसमें GPF और SIF का जो रिकॉर्ड है कई टीचर्स के, वो भी नहीं मिल रहा है। तो उसमें अगर आपके मतलब पूर्व का जो रिकॉर्ड है, जैसे मतलब ओपनिंग बैलेंस जिसका आया हुआ है, तो उसका क्लियरेशन है, लेकिन अपन इसको कोई RJBN ID में अपन को सुधार करना है तो अपन किस तरीके से करेंगे, तो आइए अपन देखते हैं। वही प्रोसीजर है अपना, एम्प्लॉई मतलब एम्प्लॉई में जाकर अपन ट्रांजेक्शन में जाएंगे, ट्रांजेक्शन में जाके अपन यहाँ पर एम्प्लॉइज़ पर क्लिक करेंगे, तो अपने सामने वही चीज़ खुल जाएगी। और यहाँ पर अपनी RJBN ID का सारा जो डेटा है, अभी ये बिल्कुल मतलब ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पर अपन नाम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च में जाकर, यहाँ पर सर्च में तीन ऑप्शन बताए हुए हैं, एम्प्लॉई ID, एम्प्लॉई नेम और फादर ओनली हस्बैंड नेम, तो इसमें से कोई भी आप नाम नाम से भी सबमिट इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और एम्प्लॉई ID जो अपनी जो पूर्व की बनी हुई है ऑलरेडी, अपन को इसमें सुधार करना है तो वो भी अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर फादर नेम या हस्बैंड नेम से भी एम्प्लॉई ID यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करने से आ जाएगी। उसके बाद में अपन यहाँ पर वही वापस मतलब इसको सर्च करेंगे तो अपन एम्प्लॉइज़ में जा करके, तो यहाँ पर अपने सारे रिकॉर्ड्स जो भी आपका भरा हुआ है RJBN ID संबंधित, यहाँ पर ऊपर आपकी RJBN ID लिखी होगी और एम्प्लॉइज़ नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मेरिटल स्टेटस, डेट ऑफ मैरिज, पैन नंबर या जेंडर नेम, एम्प्लॉई यानी कि पे मैनेजर या केस जो भी है वो, और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये सारी चीज़ अपन इसमें आसानी से, कॉन्टैक्ट डिटेल है और जो भी मिस्टेक है, अपन जैसे नाम में मिस्टेक है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है और अपने नाम में कोई अल्फाबेटिकल कोई मिस्टेक है, तो भी अपन आसानी से सुधार सकते हैं इसको। और इस तरीके से जो भी है तो यहाँ पर अपन आसानी से इसको सुधारा जा सकता है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ में भी आप यहाँ पर आसानी से सुधार सकते हो, फादर नेम, हस्बैंड नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल जैसे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और मोबाइल नंबर नहीं है, बहुत सारों के मोबाइल नंबर नहीं होता है, तो मोबाइल नंबर डालने से मतलब अभी क्या है कि जो OTP जनरेट होता है वो मोबाइल नंबर से ही होता है, अगर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर गलत शो है
तो आपका OTP आपके मोबाइल पर नहीं आएगा और ईमेल एड्रेस आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करें। उसके बाद में आता है सेकंड ऑप्शन, ये ऊपर का जो पोर्शन है आपका वही एक बार अपडेट करने के बाद में ऊपर वही रहेगा, यहाँ पर जो भी आपका डाटाज है वो ओनली फॉर RJBN ID ही चेंज नहीं होगी। ऊपर RJBN जो भी आपका डे पोस्टिंग ईयर जिले का कोड और रजिस्ट्रेशन कोड उसमें कोई बदलाव, वर्ष में कोई बदलाव नहीं होगा। बाकी यहाँ से सभी एंट्रीज आप चेंज कर सकते हैं आसानी से। और सर्विस डिटेल में यहाँ पर आप SIF यूनिट डिपार्टमेंट DDO ऑफिस नेम एम्प्लॉय स्टेटस कैटेगरी और जो भी हो आप चेंज करना चाहें जहाँ पर, तो आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। और इसमें एम्प्लॉय स्टेटस में कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट है या सबऑर्डिनेट मतलब प्रबोधक हैं या जो भी टेम्परेरी है कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या अदरवाइज। और यहाँ पर पे स्केल भी आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर पे स्केल दी हुई है 5200 से 20200 4750 7400, ये पुरानी पे स्केल अभी यही लगती है 5200 से 20200 और ये 9300 से 34800 वगैरह। और इसके बाद में आप यहाँ पर अगर पे स्केल सेलेक्ट करते ही तुरंत आपको यहाँ पर अपनी जो GP है ग्रेड पे जिसको बोलते हैं वह आपको यहाँ पर बता देगा, जैसे 5200 से 20200 के अंतर्गत ये 2800 तक लास्ट आती है जैसे ग्रेड पे। और यहाँ पर आप पे स्केल सेलेक्ट करेंगे 9300 से 34800 तो यहाँ पर आपको 5400 तक की प्रे ग्रेड नज़र आ जाएगी जो फर्स्ट ग्रेड की है। और यहाँ पर आप बेसिक डिटेल अपना बेसिक पे भी अपना यहाँ पर डाल सकते हैं जो भी आपका है बेसिक पे। यहाँ पर बहुत पुराना अपडेट किया हुआ है, 2009 का अपडेट किया हुआ है, तो यहाँ पर आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका अभी 21210 है मान लो या 22500 है, जो भी है इस पर यहाँ पर आप सबमिट आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर मान लो 1100 लिखा हुआ है या 11800 लिखा हुआ है, तो आप जो भी है वो आसानी से इसमें सुधार कर सकते हैं। उसके बाद में इसको सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद में स्कीम डिटेल में जाना पड़ेगा, और स्कीम डिटेल में जाने के बाद में आप आसानी से इसमें GPF, ये तो जो DPF डिटेल है GPF अकाउंट नंबर और ऐसे पॉलिसी नंबर आपका पुराना यहाँ पर लिखा हुआ होगा, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और डेट ऑफ डिक्लेयर फर्स्ट डिक्लेरेशन डेट को आप चेंज कर सकते हैं, जो अपने SIP पॉलिसी जो होती है आपकी उसके ऊपर स्पष्ट लिखी हुई है आपके जो फर्स्ट डिक्लेरेशन डेट, जैसे आपकी पोस्टिंग मान लो 2010 की है सपोज़, तो मार्च से SIF का कटना शुरू होता है, तो मार्च की अप्रैल की जो फर्स्ट तारीख होती है 1 अप्रैल 2011 आपके, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि वह आपकी जो पॉलिसी है उसके उस पॉलिसी के ऊपर लिखा रहता है फर्स्ट ऑफ डिक्लेरेशन डेट, तो वो यहाँ पर आसानी से आप शो कर सकते हैं। डेट ऑफ रिटायरमेंट एक्टिवेशन सॉरी, जब आपकी ID जब क्रिएट हुई जब पॉलिसी बनी तो वो डेट भी यहाँ पर शो हो जाएगी। और इसके बाद में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन आप कौन से ज़िले से हैं SIF और GPF लोकेशन प्लस SIF लोकेशन आप यहाँ से आराम से सेट कर सकते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आता है नॉमिनी डिटेल। आपने देखा होगा कि जब अपन GPA प्रपोजल कर रहे थे तो GPA प्रपोजल में यहाँ पर आपका जो बेटे का नाम लिखा हुआ है या बेटी का नाम लिखा हुआ है या आप उस समय अनमेरिड थे मान लो तो आपके फादर का नाम लिखा हुआ होगा, तो अब यहाँ पर उसको रिलेशनशिप में आप उसको सन डॉटर या कुछ भी नहीं कर सकते थे वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपन ने यहाँ पर डाल दिया रमेश, लिख देते हैं अपन यहाँ पर, तो रमेश डालते ही ये सारी चीज़ आपकी खोल देगा और उसके बाद में यहाँ पर आप आसानी से यहाँ बर्थ डेट वगैरह डालने के बाद में तो आसानी से अपन इस तरीके से चेंजिंग इसमें कुछ भी हो तो आप आसानी से इसमें सुधार भी कर सकते हैं। तो ये था SIPF पोर्टल पर पहले से जनरेट की हुई अपनी RJBN ID में अपन किस तरीके से सुधार कर सकते हैं। मेरा पहले वाला वीडियो भी आपने देखा होगा कि नई जनरेट ID जो मान लो फर्स्ट पोस्टिंग होती है अपनी तो तुरंत ही हाल ही में बन जाती है अपनी RJBN ID, पहले 72 घंटे का वक्त लेता था, लेकिन अब जैसे ही आप यहाँ पर अप्रूवल डालोगे तो अप्रूवल होकर आपको
एम्प्लॉइज़ में क्लिक करने पर आपको तुरंत ही नज़र आ जाएगी, फिर उसमें आसानी से ये डाटा भर सकते हो। लेकिन अपनी क्रिएट की हुई आरजेबिन आईडी जो एसआईपीएफ पर है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी मिस्टेक हैं, तो भी अपन आसानी से इसको किस तरीके से सुधार कर सकते हैं मित्रों। तो मेरे दोनों वीडियोस आपको अच्छे लगे हों तो यहाँ सब्सक्राइब बटन है, इस पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसमें आपको कुछ भी गलत कमेंट्स लगता है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आसानी से लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स।